चार पहियों पर एक गाड़ी नहीं एक सपना भी दौड़ता है और भारत के 23 लाख कहानियों को कामयाबी की रफ्तार टाटा एस ने ही दी है और हम निकले हैं इन्हीं कहानियों की खोज में। टाटा एस से जुड़े किस्से देश भर में बसे हैं। सफलता की एक और कहानी गुजरात के बड़ौदा शहर से निकल के आती है। दोनों भाई रितेश और हितेश पटेल ने अपना एक कारोबार शुरू किया था 2008 में बड़ौदा से 30 किलोमीटर दूर टिमनी में मिनरल वाटर्स का नायग्रा एंटरप्राइजेस नाम से। आइए उनसे जानते हैं कि टाटा एस ने उनका साथ कैसे दिया। थैंक यू हितेश भाई, तुम्हारो कीमती समय आपवा माटे। आप जरा अपने बारे में कुछ बताइए प्लीज। मेरा नाम हितेश पटेल है। मैं ज्वाइंट फैमिली में रहता हूँ। तो बिजनेस में मैंने पहले वो जो घर का आरओ का होता है वो स्टार्ट किया था, उसके बाद हमने ये मिनरल वाटर का प्लांट शुरू किया 2008 से। आपने पहला छोटा हाथी यानी कि टाटा एस को खरीदा 2009 में? अरे मेरे छोटे भाई ने ही दिया था। वो पहले यूके था, उसके बाद वो वापस आने के बाद फिर से साथ में हमने बिजनेस स्टार्टअप किया। तब छोटा हाथी एक ही था, उसका भी सपोर्ट मेरे को बहुत अच्छा था क्योंकि हम दोनों साथ में मिलके बिजनेस करते हैं। अच्छा, उसके बाद फिर कैसे कैसे आगे बढ़ते गए? ऐसे ऐसे जब मेरा जैसे जैसे ग्रोथ मिनरल वाटर का पानी का जग का सप्लाई का ग्रोथ बढ़ता गया, ऐसे ऐसे मैंने छोटा हाथी परचेज कर लिया, एक लिया, दो लिया, तीन लिया, आज आठ कर दिया। अच्छा, क्या खास बात लगती है आपको छोटा हाथी में? एक बहुत खास बात है कि उसका माइलेज पहले तो बहुत ही अच्छा है और उसका मेंटेनेंस बहुत ही कम है। अच्छा, आपके जीवन शैली में बदलाव कैसे आया टाटा एस आने के बाद? टाटा एस आने के बाद क्या है कि हमारा ग्रोथ भी बढ़ा, मेरा ट्रांसपोर्टेशन का जो टाइम था वो भी थोड़ा कम हो गया। मैं पहले थ्री व्हील में चलाता था, उससे ज़्यादा टाइम भी सेट होने लगा, तो उससे अर्निंग भी ज़्यादा होने लगी। पहले मैं करीबन 3,000-4,000 का पर इनकम होता था मेरा, अभी मेरा कस्टमर 1,000 कस्टमर है और करीबन मैं 2.5 से 3 लाख रुपये का अर्निंग कर लेता हूँ। आप ये सारा बिजनेस किसी और वाहन के साथ भी कर सकते थे लेकिन टाटा एसी क्यों? मैंने किया था दूसरे और वाहन के साथ भी किया था पर उसका मेंटेनेंस मेरे को बहुत बढ़िया बहुत प्रॉब्लमेटिक था, बल्कि और उसका पार्ट्स का भी बहुत प्रॉब्लम रहता था, जबकि छोटा हाथी का पार्ट्स मेरे को यहाँ लोकल कोई कारीगर हो वो भी कर सकता है। तो टाटा एस आने के बाद कौन से ऐसे सपने आपके आपके पूरे हुए? ऑलमोस्ट समझो ना कि हमारे बच्चे अच्छी स्कूल में पढ़ते हैं वो सपना है, हमारा लाइफस्टाइल अच्छा है वो भी सपना पूरा हुआ है, और जो हम सकते हैं वो शायद कर सकते हैं। सही बात है। तो कैसा साथी बन गया आपका इस इतने सालों में टाटा? बस एक वो बोलते हैं ना, एक से दो भले, दो से तीन, तो तीन में छोटा हाथी का नाम आता है। आप हमारे दर्शकों को कुछ बताना चाहेंगे टाटा एस के बारे में कि क्यों टाटा एस खरीदना चाहिए? बस टाटा एस बढ़िया गाड़ी है और माइलेज और लोडिंग वगैरह में सब तरह से वो कंप्लीट है, तो मेरा राय है कि छोटा हाथी खरीदना चाहिए। क्या बात है, क्या बात है। पर हमें बहुत ही अच्छा लगा कि आपने अपने अपने आप के बारे में इतना सब कुछ बताया और जिस तरह से टाटा एस ने आपका साथ दिया, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया, थैंक यू। व्यवहार व्यापार बढ़ाता है, तो ये थी कहानी नायग्रा एंटरप्राइजेस के रितेश और हितेश की। आज हमने जाना कि टाटा एस कैसे लोगों की मेहनत और संघर्ष को आसान बनाता है।